अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए आप मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो फिर चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1/2 kg चिकन, और चिकन को मैं अभी मैरिनेट करूँगी। 1/2 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर और अराउंड 1.5 tablespoon मैं दही ऐड करूँगी, और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है, वो मैं वीडियो लेना भूल गई। और मैं इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी 1/2 hour के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1 hour के लिए फ्रिज में रख दीजिए। और अभी मैंने एक कढ़ाई को गरम किया है, और कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी 2 to 3 tablespoon तेल। तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे, और फिर अभी मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। 2 प्याज मैंने ली है फाइनली चॉप की हुई। अगर प्याज आप छोटी ले रहे हो तो आप 3 से 4 ले सकते हो, मैंने बड़ी वाली ली है तो मैंने 2 ली है। और प्याज को हम हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। 2 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, और इन्हें भी मैंने फाइन चॉप किया है। और टमाटरों को भी हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अभी हम यहाँ देख सकते हैं टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 tablespoon, और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े ड्राई स्पाइसेस। 1/2 teaspoon धनिया जीरे का पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला, और इन सब स्पाइसेस को मैं लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को मैं मसालों के साथ 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करूंगी। अभी ये चिकन और मसाले जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जो तेल है वो सेपरेट हो रहा है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे मैंने 1 glass पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसमें अभी मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। मैंने ऑलरेडी चिकन मैरिनेशन करते वक्त नमक ऐड किया है, और मैं इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। और दूसरी तरफ से मैंने एक पैन में तेल को गरम किया है, और उसे मैंने ऐड किए हैं 5-6 सूखी मिर्च, 6-7 मैंने ये वाइट प्याज ऐड की है। अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो आप नॉर्मल वाले भी थोड़ा मोटी मोटी कट करके ऐड कर सकते हो। और फिर मैंने 1/2 शिमला मिर्च इस तरह से क्यूब्स में कट करके ऐड किया है। इसे मैं हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई करूँगी। अभी ये रेडी है, तो मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी, और अभी मैं करती हूँ चिकन को चेक। अभी यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो तेल है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से कसूरी मेथी, थोड़े से धनिए के पत्ते, और 1/2 teaspoon मैं इसमें गरम मसाला ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और जो मैंने प्याज, शिमला मिर्च और सूखी मिर्च फ्राई की है वो इसमें मैं ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और मैं इसे ढक के और 5 मिनट के लिए पकाऊँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है,
और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अगर आप और ड्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर मैं इसे इतना ही रखूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।